हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर 5। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 6th चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट, दैट इज द 3 लिटिल पिग्स। इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू नो अबाउट 3 लिटिल पिग्स। सो स्टूडेंट्स, आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो व्हाट हैपेंड विद these 3 little pigs in the story? Even I am also very excited to know about this. So have a look over here with the starting of this chapter. Chapter number 6, the 3 little pigs. Once upon a time there were 3 little pigs. स्टूडेंट्स, एक समय की बात है, 3 नन्हे सुअर रहते थे। द फर्स्ट लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ। पहले नन्हे सुअर ने अपना घर घास फूस से बनाया था। द सेकेंड लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक्स। दूसरे नन्हे सुअर ने अपना घर लकड़ियों से बनाया। दिस वॉज अ लिटिल बिट स्ट्रोंगर देन अ स्ट्रॉ हाउस। ये जो लकड़ियों से बना हुआ घर था, ये घास फूस से बने हुए घर से कुछ ज़्यादा मजबूत था। द थर्ड लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स। और जो तीसरा नन्हा सुअर था, उसने अपना घर ईंटों से बनाया। ब्रिक्स मीन्स ईंट। वन नाइट, एक रात, द बिग बैड वोल्फ, एक बड़ा दुष्ट भेड़िया, हु लव्ड टू ईट फैट लिटिल पिग्स, जो क्या पसंद करता था, मोटी बड़े नन्हे सुअर को खाना पसंद करता था, केम अलोंग, आया एंड सॉ द फर्स्ट लिटिल पिग इन हिज हाउस ऑफ स्ट्रॉ। उसने पहले नन्हे सुअर को अपने घास फूस से बने हुए घर के अंदर देखा। ही सेड, लेट मी इन लिटिल पिग। उस दुष्ट भेड़िए ने क्या कहा, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, और आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन। अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं क्या करूँगा, आई विल हफ, मैं अपनी सांसों को खींचूँगा, एंड आई विल पफ, उसे फुलाऊँगा, एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन, और तेज फूंक मारकर तुम्हारे घर को उड़ा दूँगा। नॉट बाई द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सेड द लिटिल पिग। नन्हे सुअर ने क्या कहा, तुम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, अर्थात कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट ऑफ कोर्स द वोल्फ डिड ब्लो द हाउस इन एंड ईट द फर्स्ट लिटिल पिग। लेकिन अंततः क्या हुआ स्टूडेंट्स, उस दुष्ट भेड़िए ने फूंक मार कर तेज उस घर को उड़ा दिया, उसके अंदर चला गया और उस नन्हे सुअर को उसने खा लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पहले सुअर का घर बना हुआ था वो किससे बना हुआ था, स्ट्रॉ से बना हुआ था, घास फूस से बना हुआ था, जो कि बहुत कमज़ोर था। द वोल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ स्टिक्स। अब वो दूसरे सुअर के घर गया जो कि किससे बना हुआ था, स्टिक से, लकड़ियों से बना हुआ था। लेट मी इन लिटिल पिग, नन्हे सुअर मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, और आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन, वरना मैं अपनी सांसों को खींचूँगा, उसे और फुलाऊँगा, और तेज फूंक मार कर तुम्हारा घर उड़ा दूँगा। नॉट बाई द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सेड द लिटिल पिग। दूसरे नन्हे सुअर ने भी क्या कहा, कि तुम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर हूँ। बट द वोल्फ ब्लू दैट हाउस इन टू एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग। लेकिन उस दुष्ट भेड़िए ने दूसरे नन्हे सुअर का घर भी उड़ा दिया और उसे भी खा लिया। द वोल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ ब्रिक्स। अब वो कहाँ पहुँचा, अब वो दुष्ट भेड़िया तीसरे नन्हे सुअर के घर पहुँचा जो कि किससे बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था, ब्रिक्स से बना हुआ था। लेट मी इन क्राइड द वोल्फ। भेड़िया चिल्लाया, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, और आई विल हफ एंड आई विल पफ टिल आई ब्लो योर हाउस इन।
मैं अपनी सांसों को खींचूंगा, उसे और फुलाऊंगा और तब तक फूंक मारता रहूंगा तेज जब तक मैं तुम्हारे घर को उड़ा नहीं दूंगा। Not by the hair of my chinny chin chin, said the pig. जो थर्ड पिग था उसने भी क्या रिपीट किया कि तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं अपने बहुत ही मजबूत घर के अंदर हूँ। वेल द वुल्फ हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन दैट ब्रिक हाउस। अब क्या था कि उस भेड़िए ने बहुत ही अपनी सांसों को फुलाया, बहुत ही उसको खींचा और बहुत तेज तेज से फूंक मारता रहा, लेकिन उस ईंट से बने हुए घर को वो गिरा नहीं सका। बट द वुल्फ क्लाइम्ड अप ऑन द रूफ टू लुक फॉर अ वे इनटू द ब्रिक हाउस। लेकिन अब क्या करने लगा वो भेड़िया, वो उस ईंटों से बने हुए घर की छत पर चढ़ने लगा क्या ढूंढने के लिए एक ऐसा रास्ता जिससे वो उस घर के अंदर जा सके। द लिटिल पिग सा द वुल्फ क्लाइम्ब अप ऑन द रूफ एंड लिट अ बिग फायर इन द फायर प्लेस। क्या हुआ, द लिटिल पिग सॉ द वुल्फ क्लाइम्ब अप। उसने क्या देखा लिटिल पिग ने कि वो जो दुष्ट भेड़िया है वो छत पे चढ़ रहा है। अब उसने क्या किया, एंड लिट अ बिग फायर इन द फायर प्लेस। फायर प्लेस पर, जिस जगह पर हम आग जला कर रखते हैं, उस जगह पर उसने आग लगा दी, आग जला दी। एंड पुट ऑन इट अ लार्ज केटल ऑफ वाटर, और उस पर एक बड़ी सी कितली रख दी जिसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। व्हेन द वुल्फ फाउंड द होल इन द चिमनी, जब उस भेड़िए को चिमनी में एक होल मिला, चिमनी जो घर के ऊपर लगी होती है उसमें होल होता है, जब वो उस होल को उसने पाया, ही वेंट डाउन एंड स्प्लैश, वो उसी चिमनी से अंदर जाने लगा। ही फेल राइट इंटू दैट केटल ऑफ वाटर, और क्या हुआ, वो छपाक से सीधे कहाँ जाकर गिरा, उसी वाटर में गिरा जो कि उसने केटल में केतली में करके आग के ऊपर रखा हुआ था। दैट वॉज द एंड ऑफ हिज ट्रबल्स विद द बिग बैड वुल्फ। इस तरह से उस बड़े दुष्ट भेड़िए का अंत हुआ जिससे कि सभी परेशान थे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। सो टेल मी फर्स्ट, हाउ वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर? या आई नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? यस, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज we have to use our mind in every difficult situation, okay? हमें कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति आए तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें हमारा माइंड यूज़ करना चाहिए, अपने दिमाग से काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, रीड वेरी केयरफुली एंड आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, यू हैव टू कम्प्लीट दिस इन योर इंग्लिश फर्स्ट बुक। Okay, that's all for today. Thank you so much.